The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello, namaskar, dosto, main hoon Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Agar hum 30 saal ki umar ke logo ke sabke MRI karke dekhenge to 30% logo ko already डिस्क बल्ज होगा लोअर बैक्स में और 50 साल की उम्र में 50-60% लोगों को होगा और हो सकता है उससे भी ज़्यादा. और जिस प्रकार आजकल की जनरेशन चल रही है लेड बैक ऑल टाइम सिटिंग नो एक्सरसाइज उनको और होगा. ऐसा क्यों होता है लेट्स अंडरस्टैंड. नॉलेज जब आपको उस चीज़ की हो इस वीडियो के बाद आपको होपफुली आपको भी हो जाएगी तो आपकी एक नज़र बन जाती है कि जब भी आप किसी की स्पाइन किसी की रीढ़ की हड्डी बेंड होते हुए देखते हो तो आप लिटरली महसूस कर सकते हो कि उनके जो रीढ़ की हड्डी के पीछे जो डिस्क होती है बीच में डिस्क होती है उस डिस्क के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हो रहे हैं उन पे कितना प्रेशर आ रहा होगा वो कैसे फट रही होगी या कैसे टूट रहे होंगे बिकॉज दैट इज़ द रीज़न वाई यू हैव डिस्क बल्ज यू हैव डिस्क प्रोलैप्स एंड वाई आपको लोअर बैक में पेन होता है. स्पाइन में आपकी रीढ़ की हड्डी में हड्डियों के बीच में जो इसको हम डिस्क बोलते हैं वो डिस्क जो होती है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक बहुत सारे कोलेजन के फाइबर कैसा होता है एक फाइबर को एक पतले से पेपर के जैसे पकड़िए ये पेपर है एक फाइबर है अब ये एक शीट है अगर ये फाइबर होता तो हम इस फाइबर को आराम से अकेले पेपर को फाड़ सकते हैं राइट. लेकिन अगर ये डबल हो जाता है तो उसको फाड़ना थोड़ा सा डबल हो जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अगर ये फाइबर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हजारों लेयर आते जाते हैं हजारों नॉट लाइक ये तो करीब 10 लेयर होंगे मुश्किल से 10 लेयर को फाड़ना फिर भी पॉसिबल है. अगर इसको मैंने ऐसे 10 के 100 लेयर एक साथ रख दिया यानी कि पूरी की पूरी किताब एक साथ रख दी तो उसको फाड़ना बहुत मुश्किल होता है उसको इंजर करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए और ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है राइट. सो यही चीज़ आपके शरीर के अंदर होती है कोलेजन फाइबर्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक जिगजैग मैनर में इकट्ठे होके पूरी एक रिंग बनाते हैं एक फर्म डिस्क बनाते हैं जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है ठीक है न्यूक्लियस पल्पोसस जिसको कहते हैं. आइडिया क्या है कि स्पाइन हिलेगी उसके ऊपर और जो न्यूक्लियस डिस्क है वो डिस्क उसको स्टेबिलिटी देगा ताकि वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. मगर वो इक्वली तभी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अगर आपकी स्पाइन न्यूट्रल हो. न्यूट्रल का मतलब है झुकी ना हो और बहुत ओवर फ्लेक्स्ड ओवर हाइपर एक्सटेंडेड ना हो. एक न्यूट्रल स्पाइन का भी अपना चीज़ है कि इट्स नॉट अ फिक्स्ड काइंड ऑफ अ थिंग. ऐसा नहीं कि एकदम स्पाइन फिक्स होने देर कैन बी अ लिटिल मोबिलिटी जो एक्सेप्टेबल है मगर आप अगर उसे कर्व करते हैं चाहे अपर स्पाइन है लोअर स्पाइन है इफ यू आर कर्विंग यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर मतलब आपका पूरा भार आपके पूरे शरीर का भार. और अगर आप कोई बेंड होके गलत तरीके से सामान उठा रहे हैं हैवी सामान उठा रहे हैं तो एट दैट वेट कितना ज़्यादा प्रेशर आपके शरीर पे आता है उस पर्टिकुलर फाइबर्स पे कि एक नॉर्मल इंसान जो अपने 30 साल की उम्र केवल 30 साल आधी भी नहीं इतनी कम उम्र में ही उसके कई सारे फाइबर्स जो हैं टूट चुके होते हैं जस्ट बिकॉज उसकी गलत तरीके से झुकने की आदत. You are not supposed to bend forwards to pick up things. You are supposed to go down by your knees and hips. You need to squat. आपको नीचे जाना है squat करके ऊपर सामान लेके आना है right? There are ways of lifting without bending your spine, right? So spine को अगर आप bend करके या curve करके नीचे से सामान उठाते हो चाहे केवल एक जूता उठाते हो pen उठाते हो उस रिपीटेड बेंडिंग डाउन से आपकी फाइबर्स जो हैं वो टूटते जाते हैं
टूटते जाते हैं, हजार लाखों फाइबर्स में हर बार 10, 20, 25, 30 टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, अल्टीमेटली वहाँ पर गैप्स बनता जाता है और उस गैप में से फिर जो न्यूक्लियस लिक्विड है वो बाहर बल्ज कर सकता है, बल्ज कर सकता है, स्लाइम जैसी चीज़ होती है, स्लाइम जैसे बल्ज कर सकता है, बल्ज करता है फिर बाहर निकल ही जाता है, जिसे प्रोलैप्स कहते हैं। और बाहर क्या है, आपकी नसें हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, उस पर प्रेशर आता है, पीठ में दर्द होता है, शियाटिका पेन होता है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर इसके ऊपर अगर आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हैं, अगर आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हैं, वाइटामिन डी, कैल्शियम, डिहाइड्रेटेड स्पाइन, देर इज रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, बस एक दिन आएगा जब इंजरी होगी, फिर आपको महीना भर बेड रेस्ट या ऑपरेशन या सर्जरी उसके पीछे लगना पड़ेगा। व्हाट्स द पॉइंट? और ऐसा नहीं है कि वो इंजरी फिर ठीक हो गई, नहीं, वो फट गया। अब फिर उसके बाद अगली बार जब आप गलती से स्पाइनल इंस्टेबिलिटी फिर से करोगे तो इंजरी और जल्दी होगी। सो रिमेंबर दिस, स्पाइन कर्व होना, राउंड होना नहीं चलेगा, राइट? कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा राउंड होना चलता है, कुछ नहीं होता, नहीं। सो आज से जिसको भी झुकते हुए देखोगे, उसका देखो स्पाइन को, इमेजिन करो स्पाइन उसकी कैसी होगी, टेढ़ी है या नहीं। इफ यू जस्ट प्रैक्टिस दिट, ये डेवलप हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आप देख पाओगे वीडियोज में, देख पाओगे ये गलत, ये गलत, ये सही है, ये गलत है। ऑलराइट, so if you like the video please share this and thank you so much, stay connected, stay healthy।